2013 के नवंबर में साइंटिस्ट ने एक काफ़ी बड़ा गामा रे बर्स्ट डिटेक्ट किया। जब साइंटिस्ट ने इस गामा रे बर्स्ट के ओरिजिन को ढूंढना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि ये गामा रे बर्स्ट एक ऐसी गैलेक्सी से आ रहा था जो कि हमारी धरती से कुछ 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर था। और जब साइंटिस्ट ने इस गैलेक्सी पर फोकस किया तो उन्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला जो कि होना ही नहीं चाहिए था। इस गैलेक्सी को स्टडी करने की कोशिश में साइंटिस्ट को हमारे इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर मिल गया। यह स्ट्रक्चर इतना बड़ा था कि इसने हमारे यूनिवर्स की समझ को पूरी तरह से हिला दिया। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कुछ 93 बिलियन लाइट ईयर्स डायमीटर का है और हमारे इस यूनिवर्स में हर डायरेक्शन में मैटर मौजूद है। यह मैटर गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स के फॉर्म में मौजूद है। हम ब्रह्मांड में चाहे किसी भी डायरेक्शन में देखें, हमें गैलेक्सीज ही गैलेक्सीज नजर आती हैं। और गैलेक्सीज के इसी डिस्ट्रीब्यूशन को देख के हमने ये हाइपोथेसिस किया कि यूनिवर्स में मैटर हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। यूनिवर्स में ऐसी कोई भी डायरेक्शन नहीं है जिसमें मैटर बाकी डायरेक्शन से ज़्यादा है। लेकिन 2013 के उस गामा रे बर्स्ट के ओरिजिन को ढूंढते हुए साइंटिस्ट ने एक ऐसे स्ट्रक्चर को ढूंढ निकाला जो कि यूनिवर्स में मैटर की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी को गलत साबित करती है। और यह स्ट्रक्चर है हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल, और यह एक सुपर क्लस्टर है कई सारी गैलेक्सीज का। यह सुपर क्लस्टर लगभग 10 बिलियन लाइट ईयर्स लॉन्ग, 7.2 बिलियन लाइट ईयर्स वाइड और लगभग 1 बिलियन लाइट ईयर्स थिक है। और यह हमारे यूनिवर्स में आज तक डिस्कवर्ड सबसे मैसिव स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर की डिस्कवरी ने आइंस्टाइन की एक थ्योरी को भी गलत प्रूव किया। आइंस्टाइन ने अनुमान लगाया था कि बिग बैंग के बाद क्योंकि मैटर हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रेड हुआ था, इसीलिए हमारे इस यूनिवर्स में कोई भी 1.2 बिलियन लाइट ईयर से ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। लेकिन हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल इस लिमिट की लगभग 8 times है। इसी के साथ साथ इस सुपर क्लस्टर की हमारी धरती से डिस्टेंस यह भी बताती है कि यह सुपर क्लस्टर यूनिवर्स के फॉर्म होने के कुछ 4 बिलियन ईयर्स बाद ही बन गया था। हमें कुछ और सुपर क्लस्टर्स भी मिले हैं जो कि 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स के लिमिट को वायलेट करते हैं, जैसे कि स्लो वन ग्रेट वॉल और ह्यूज लार्ज क्वेजार ग्रुप। साइंटिस्ट इन स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे हैं ताकि वह यूनिवर्स के ओरिजिन और उसके ग्रोथ के बारे में अपनी समझ का दायरा बढ़ा सके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।